हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं लेकर आई हूँ कश्मीरी दम आलू की रेसिपी। ये कश्मीरी दम आलू की रेसिपी बहुत ही आसान और कम मेहनत वाली रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ मैंने 10 से 15 छोटे आलू ले लिए हैं। इन्हें मैंने कुकर में एक सीटी देकर इसका छिलका उतार लिया है। इन्हें आप पूरा ना पकाएं, हल्का सा कच्चा रहने दें। अब इन उबले हुए आलूओं को फोर्क की मदद से प्रिक कर लेना है। ऐसा करने से सारे मसाले आलू के अंदर तक चले जाते हैं। तो सभी आलूओं को आप सभी तरफ से प्रिक कर लें। यहाँ सभी आलू तैयार है। फिर यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। अब इस गरम तेल में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और फिर उबले हुए आलूओं को डाल लेंगे। इन आलूओं को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर रखें और हल्का हल्का पलटते हुए इन्हें फ्राई कर लें। आलू को गोल्डन कलर आने तक के फ्राई कर लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका हल्का हल्का कलर चेंज होने लगा है। बस अब इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए और फ्राई कर लेंगे। इन आलूओं का कलर गोल्डन हो चुका है और ये एकदम बढ़िया क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये फ्राई होकर रेडी है। अब इन्हें मैं बाहर निकाल लूँगी। फ्राई किए हुए आलूओं को अब साइड में रख देंगे और इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए एक बाउल में 1.5 कप दही ले लेना है। आप यहाँ एकदम फ्रेश दही का ही यूज़ करें। अब इस दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इसे एकदम स्मूथ सा फेंट लेना है। यहाँ मैंने घर पर बनाए हुए दही का यूज़ किया है। दही फिट चुका है। अब इसमें मसाले डाल लेंगे। तो सबसे पहले 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, पिंच ऑफ इलायची पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, साथ ही 2 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर डालेंगे। इसे मैंने 4 से 5 बादाम और काजू को पीसकर बनाया था। इसे डालने से ग्रेवी एकदम रिच बनती है। सभी चीज़ें डल चुकी हैं। इसे आप बढ़िया से मिला लेंगे। हमें एकदम स्मूथ सा मिक्सचर रेडी करना है। तो ये ग्रेवी का मसाला मिलकर तैयार है। अब उसी कढ़ाई में मैंने 2 छोटे चम्मच तेल ले लिया है। इसमें 4 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल लेंगे। फिर इसमें थोड़ी सी हींग डाल लेना है। और अब इसमें मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। पानी में 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। दही के मिक्सचर को डालने से पहले इस तरह से पानी डालकर आप उसे एक उबाल ला लें। ऐसा करने से आपका दही कभी फटेगा नहीं। पानी में उबाल आ चुका है। अब गैस की फ्लेम को लो करके दही वाले मिक्सचर को डाल देंगे। दही वाला मिक्सचर डल चुका है। इसे हल्के हाथों से चलाते हुए मिला लें। तो ये सभी चीज़ें मिल चुकी हैं। इसे अब 2 से 3 मिनट के लिए पकने दें। पकते हुए इसमें उबाल आने लगेगा। तो यहाँ पर बढ़िया सा उबाल आ चुका है। अब इसमें फ्राई किए हुए आलूओं को डाल लेंगे। आलू डालकर आप इन्हें भी हल्का हल्का मिक्स कर लें। गैस की फ्लेम को आप लो पर ही रखें और अब इसे ढककर 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे। इससे ग्रेवी के सभी फ्लेवर्स आलू में उतर जाएंगे। तो यहाँ 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि इसका तेल बढ़िया से छूट चुका है और ये कश्मीरी दम आलू की सब्जी बनकर तैयार है। लग रही है ना एकदम लाजवाब।
लास्ट में इसमें कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश करके डाल लेंगे। इसे भी आप मिक्स कर लें। तो बस ये कश्मीरी दम आलू की रेसिपी पूरी तरह से रेडी है। इसे मैं गर्मा गर्म सर्व कर लूँगी। इसे आप गर्मा गर्म पराठे, नान या कुलचों के साथ सर्व करें। ये कश्मीरी दम आलू की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बिना कोई मेहनत के झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। आप भी इस कश्मीरी दम आलू की रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।